लास्ट 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 हाउ वाज मूवी मैम, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म इज डेफिनेटली गुड, सब कुछ अच्छा था फिल्म में, फिल्म की कहानी, किरदार, यू नो, स्क्रिप्ट, सॉन्ग, स्टोरी, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। केमिस्ट्री कैसी लगी रणवीर और आलिया की? केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? केमिस्ट्री और आलिया रणवीर की केमिस्ट्री बढ़िया है। रणवीर थोड़े से मुझे इस फिल्म में ज्यादा भारी भक्कम लगे एज कम्पेयर टू आलिया। आलिया इज गुड बट रणवीर के कंधों पे फिल्म चलती है। एक बार फिर रणवीर ने प्रूव कर दिया कि वो इस समय के सबसे बेटर एक्टर हैं। उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट दे तो वो एक कैमिलियन की तरह वो वही बन जाते हैं। आप उन्हें बाजीराव बनाइए, वो बाजीराव बन जाएंगे। आप उन्हें बिट्टू बनाइए, वो दिल्ली का लड़का बन जाएंगे। आप उन्हें रॉकी बनाइए, वो रॉकी बन जाएंगे। बट हर किरदार में वो आपका दिल जीत लेते हैं, छाप छोड़ देते हैं। धर्मपाल जी, जया जी और सवाना जी, इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है। फ्रॉम दैट एस्पेक्ट के जो सीनियर एक्टर्स हैं उनका बहुत अच्छा यूज करा गया है। अगर वी हैव मोर ऑफ सच फिल्म्स वेयर आर आइकॉनिक एक्टर्स आर यूटिलाइज सो प्रॉपरली, देन हम वेस्ट की तरफ देखकर ये नहीं बोलेंगे कि वो अभी भी जॉर्ज क्लूनी को कैसे यूज करते हैं या फिर वो अपने सीनियर एक्टर्स को। मेरिल स्ट्रीप क्यों वहाँ पे बड़ी है? हमारे पास उतने ही बड़े एक्टर्स हैं। इट्स जस्ट दैट वी नीड द राइट स्क्रिप्ट फॉर आवर सीनियर एक्टर्स। करण जो आपसे लॉन्ग टाइम डायरेक्शन कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन के बारे में क्या? करण जो आपकी डायरेक्शन ऑफकोर्स अच्छी है। करण जो ने हमें राज दिया है, राहुल दिया है, बहुत आइकॉनिक फिल्म दी है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वो अपनी ही तरह की फिल्म दोबारा से लाए हैं एंड आई एम श्योर दिस फिल्म विल वर्क बिकॉज इस फिल्म में राइट मिक्स एंड मैच है। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें परिवार होता है, गाने नाचना होता है, बट हम एक दिल जीत जाते हैं, बातें बोलते हैं। ये बॉलीवुड का एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड दिस फिल्म वर्क्स। मैसेज लाइक टू गिव 4 out of 4.5। मैसेज क्या दे रही, कुछ मैसेज दे रही है फिल्म? मैसेज कुछ नहीं है, मस्ती है। आओ, बिल्कुल टोटल पैसा वसूल फिल्म में देखो और मस्ती करो। थैंक यू। फिल्म आपको मैं करूँगा बोलो, कैसे फिल्म आपको? वेरी एंटरटेनिंग, कॉमेडी, इमोशनल, एक्टिंग वाइज वंडरफुल। आलिया भट्ट ने भी काम बहुत अच्छा किया, आलिया भट्ट का भी काम बहुत अच्छा था। कहानी की बात करो, कैसी कहानी लगी आपको? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड हाफ इज अ मस्ट वॉच। कितने स्टार देंगे पद में से आप? कितने स्टार देंगे पद में से? कितने स्टार देंगे? 3.5 स्टार। क्या अच्छा लगा कहानी, अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा आपको? एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग वगैरह एक्टिंग अच्छी, सब अच्छा काम किया। धर्मेंद्र, सबन आदमी, केमिस्ट्री, सभी सभी सभी। गाने कैसे फिल्म के? संगीत वगैरह खास करके पल्ला चतुर्थिया है वो बहुत अच्छा लगा। कितनी शर्तें हैं पद में से? कैसी लगी फिल्म आपको? हाँ, कैसी लगी फिल्म आपको? मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी करण जोर आफ्टर लॉन्ग टाइम डायरेक्शन कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन इज टोटली जस्टिफाइड। इसके अंदर टिपिकल करण जोर फिल्म है और एक नया फ्लेवर है, एक नया साइड दिखाया है लव स्टोरी का जो मजेदार है, फैमिली ड्रामा है। और आई थिंक सेकंड हाफ थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच था तो कम हो सकता था। गाने का मानते हैं एक दो गाना, बड़ा गाना सेकंड हाफ में होगा तो और मज़ा आता, बट ये बस टू मच फैमिली ड्रामा जो थोड़ा सा कम किया। आज ओवरऑल मजेदार फिल्म है, आजकल की जनरेशन का फैमिली ड्रामा नहीं पाएगी, समझ पाएगी वो
कहना मुश्किल है कि जेंसीज का जेंसीज टाइम लोगों का बहुत कम है, मज़ा भी आ सकता है और क्या कह सकते हैं, बट रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट ने किरदार बहुत अच्छा निभाया है, पंचेस और भी बेहतर हो सकते थे क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे कितने साथ देंगे बात में से आप? थैंक यू सर। आप जब थिएटर के बाहर आते हैं बहुत सारे इमोशंस आपके साथ होते हैं, आप हंसते हैं, आप रोते हैं, आप डांस करते हैं, आप कूदते हैं, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इतने सारे इमोशंस आप फील करते हैं इस फिल्म के दौरान। रणवीर सिंह आलिया देख चूली शो, क्या केमिस्ट्री है इन दोनों की, बट एक सरप्राइज केमिस्ट्री है धर्मबाजी और शबाना आजमी की। कभी कभार आपको लगता है कि रणवीर और आलिया ने धर्मबाजी और शबाना जी एक्चुअली हीरो हीरोइन है फिल्म के, बट लेट मी टेल यू जया बहादुरी का कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल है कि कभी यार आपको उनके कैरेक्टर के साथ गुस्सा आता है, विच शोज व्हाई शी इज अ लेजेंड। करण जौहर ने इस फिल्म में लाइफ लेसन्स दिए हैं, यानी कि बहुत सारे वो रूल्स जो हम लोग सालों साल फॉलो करते आए हैं उस रूल्स को कैसे तोड़ना चाहिए हमें और कैसे हमें लाइफ में एक्सप्रेस करना चाहिए। कभी कभार हम लोगों पर मजाक उड़ाते हैं और क्यों हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हर इंसान के अंदर एक रूह होती है और दूसरों पर मजाक उड़ाने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं फिल्म के बाद, तो एंटरटेनमेंट है और सोच विचार भी है इसमें। इट्स अ प्योर प्योर फैमिली एंटरटेनर, अपने परिवार के साथ अब जरूर आएंगे। आई वुड गो विद 4 stars out of 5। नमस्कार, मैं उससे बात करना। थैंक यू सर। मैं तो बोलूँगा आपने भी देखी होगी और रणवीर और आलिया का केमिस्ट्री वगैरह वो भी बहुत अच्छा है, और जो अपने एजेंट लेजेंडरी शबाना जी, जया जी एंड धर्म सर, और धर्म सर का एकदम रोमांटिक अमेजिंग मजा आ गया, इतने साल बाद में हमने कमाल। कहानी कैसी लगी आपको फिल्म की? कहानी करण सर के डायरेक्शन काफ़ी टाइम बाद आया है जी, और उन्होंने काफ़ी साल बाद डायरेक्शन में ये कहानी आई, बट जो पहले जैसे फिल्में रही है होता है तरीके की तो एक अलग फील रही, बट इसमें रहा है कहानी बीच में थोड़ा सा डाउन रहेगी, बाकी डायरेक्ट अच्छे से किया है कहानी। एक्टिंग वाइज आलिया रणवीर की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? और पूरी केमिस्ट्री अच्छी लगी, रणवीर आपको आपको फुल एंटरटेनमेंट में नजर आई है, और प्लस रणवीर का कुछ ऐसा दिखा है जैसे बहन वाजा में रात को शादी में उसका हुआ था, बाकी तो फिल्म में देखी एकदम रोमांस वाली फुल टू फटाक बात तो उस तरीके का उसका, प्लस की अंग्रेजी आपने देखा होगा अमेजिंग। कितनी शादी पद में से आप कितने स्टार देंगे पाँच में से? मैं 5.5 स्टार। करण जौहर सर 7 साल बाद डायरेक्शन कर रहे थे, 8 साल बाद डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत कुछ ऐसा लगा कि उसने बहुत कुछ सीख के डायरेक्शन किया है, जो नॉर्मली डायरेक्ट करते हैं उससे लीक से हटके उसके डायरेक्शन का अलग ही स्किल है। एक्टिंग की बात करें तो कैसी लगी एक्टिंग आपको आलिया? धर्म जी है, शबाना जी है, जया जी है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? अगर मैसेज दे रही है, क्या मैसेज दे रही है, कुछ चाहिए मैसेज के बारे में? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्या मैसेज दे रही है? जहाँ तक मुझे लगा आजकल रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी शादियाँ फैमिली के रिलेशन की वजह से होती हैं, जैसा कि एक डायलॉग बोला उसने कि हमारे स्टेरिंग भले हमारे हाथ में है लेकिन बैकसीट ड्राइविंग जो करता है उसके से ब्रेकआउट होता है, वो ये बैकसीट ना उसको एडजस्ट करने वाली मूवी है। गाने संगीत कैसा लगा आपको? गाने वगैरह दो गाने उसके मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगे, टू सॉन्ग्स आर वेरी वेरी गुड, और सबसे अच्छा वो रणवीर का डोला रे सॉन्ग, वो वर्षन बहुत अच्छा लगा। कितने स्टार देंगे आप? 5 में से 4 स्टार दूंगा। मूवी का एक फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसमें धर्मबाजी का जो रोमांटिक लव स्टोरी लग रहा था एक थोड़ा वही एज अ बेंच मार्क लगा था मूवी में। उसके अलावा ज़्यादा के रणवीर का उनका कुछ ज़्यादा रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का जो केमिस्ट्री वैसे ही लग रहा था, ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा पिक्चर आउट ऑफ
आउट ऑफ टॉपिक चली गई, तो ऐसे ही जा रहे हैं, मम्मी डैडी को कन्विंस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, घर वाले को कन्विंस करना, ये ज़्यादातर सोशली हम लोग पहले ऑलरेडी दे चुके हैं मूवी में। मैसेज क्या दे रही, कुछ मैसेज दे रही फिल्म को? अच्छा, सोशली मैसेज दे रही है कि लड़की वुमेन को दबा के ना रखे, ये ना रखे, घर में जो रहता है हस्बैंड डोमिनेटिंग जो कल्चर है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में बोला, ये मैसेज सोशली ये मैसेज पिक्चर का है। बाकी मूवी में कुछ एंटरटेनमेंट टाइप का लगा नहीं मुझे, फर्स्ट हाफ ऑफ एंटरटेनमेंट गाने वाने अच्छे थे, सोशली ठीक था, फिर डांसिंग का जो दिखाया उसमें एक जो नाच रहे गे या कैरेक्टर जैसा किस तरीके से वो और ये कर रहा मजाक उड़ा रहा, किस तरीके से फैमिली डोमिनेटिंग, लड़की को बाहर जाने नहीं मिलता, जॉब कर रही, मतलब उसमें लाइक सोशल मैसेज है मूवी में, काफ़ी सोशल मैसेज है। धर्मपा जी, जया जी है बड़े कलाकार, उनको क्या कुछ करेंगे? जयापा जी, धर्मपा जी इज लाइक बेंच मार्क, फिर उसमें जो उनकी जो लव सवाना आजमी का जो लव फिल्म था वही थोड़ा कॉमेडी लग रहा था, पिक्चर में थोड़ा एंटरटेनमेंट लग रहा था जो आपको बांध कर देंगे, पिक्चर ढीलापन लग रहा था, तो सेकेंड हाफ ना आउट ऑफ फोकस चल रहा था, ऐसा लग रहा था मैं क्या देख रहा यार, मैं तो ऐसा पहले से ऑलरेडी ये सब देख चुका हूँ, सोशल मैसेज देख चुका, तो कुछ नया नहीं मुझे देखने लग रहा। कितनी स्टार देंगे बाद में से आप? टू एंड हाफ। अच्छा लगा। एक्टिंग वाइज को किस एक्टिंग कैसी एक्टिंग है? कहानी की बात, कहानी कैसे लगी आपको? कहानी की कैसे धर्म जी है इसमें, सबरा जी है, क्या कुछ जया जी है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? तीन बड़े दिग्गजों को उन्होंने लिया है, धर्म जी ने, करण जी ने, वो एक स्मार्ट मूव किया है करण जी ने, ये तीन तीन दिग्गज को लेके बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने कंपोजर धर्म जी को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कितने स्टार देंगे पद में से आप? कितने स्टार देंगे? नाइन पास है, बढ़िया। कहानी कैसी लगी? मनोरंजन है, पुराना ट्रेंड का ये कमबैक सा लगता है ये। जी जी, जैसे पुराने टाइम में वो लड़की की पिक्चरें आती थी, बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़ी लक्ष्मी की दिखाई देती थी, वो इस फिल्म में देखने को मिली। अच्छे एक्टिंग की बात करो अलिया और धर्मेंद्र जो कुछ सेकेंड हाफ में जो रणवीर का कुछ परफॉर्मेंस वहाँ पड़ेगा, जो उनको जो डायलॉग दिए थे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ मैसेज दे रही है क्या? कि मैसेज दे रही है, मैसेज अच्छी है, टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है, तो भारी के टाइम पे आप भर गए उनके हॉल में बैठिए, मूवी इन्जॉय करिए। कितने स्टार देंगे पद में से आप? पाँच में तीन देंगे। वेरी नाइस एंड मतलब कुछ पुराने फिल्मों से भी लिया है, मतलब एक फैमिली का जो फैमिली की वैल्यूज को दिखाने का कोशिश किया है कि घर में नए वक्त के साथ चलना चाहिए, सिर्फ अहंकार नहीं होना चाहिए और सबके अपने अपने एक ये है, अपना सब फ्रीडम है। आप 23वीं सदी में रहते हो, आप पुराने ख्यालात में नहीं जी सकते, आपको बच्चों का ख्याल रखना है, तो वो वैल्यूज को अच्छा है ये किया है और पुराने गानों का बहुत सहारा लिया है, पिक्चर को सलाम करना पड़ेगा और सबसे बेस्ट गाना वही है और रणवीर कपूर अच्छा काम, रणवीर सिंह आलिया भट्ट ऑल्सो गुड, रणवीर सिंह सॉरी रणवीर सिंह एंड गुड वॉक, आलिया भट्ट ऑल्सो गुड वॉक एंड गुड म्यूजिक एंड गुड सीनरी एंड बोलू क्या एक बार? हाँ हाँ बोलो। जय भादुरी वैसे भी भड़कती रहती है, इसमें भी उसको सही रोल दिया भादुरी पहले थी। ओके, कितने स्टार देंगे? थ्री एंड हाफ आउट ऑफ फाइव। और सबसे अच्छा है कि धर्मपा जी को हमने बहुत दिन के बाद देखा और एक कॉम्बिनेशन ऐसा है धर्मपा जी का भी शमन आदमी, शायद उन्होंने यंग डेज में कोई फिल्म नहीं आई, इस फिल्म में आ गए, तो धर्मपा जी ऑल्सो वेरी इमोशनल। जय बच्चे बहुत अच्छी फिल्म है, करण जौहर ने एक फिल्म नया किया, बहुत अच्छे लगे। हाँ, कहानी कैसी है क्या बताएंगे? अच्छी है, एक बड़ी अच्छी कहानी है, हट के स्टोरी है, किरदार अच्छा किया, सब कलाकारों ने अच्छे निभाए हैं, सब कलाकारों ने। कुछ सीख देती है ये फिल्म? क्या सीख के मैसेज देती है? सीन तो बहुत एक से एक बढ़ गया है इस फिल्म में जी, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है रणवीर सिंह की, आलिया भट्ट की, गाने बड़े अच्छे हैं, धर्म पाजी का काम बड़ा अच्छा है। कितने स्टार देंगे पद में से आप?